हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ में एक नोटिफिकेशन निकला है जो कि है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए एट हाइड्रोजन प्रोग्राम फॉर ओ एनर्जी सेंटर में यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट नोटिस है ओ की वेबसाइट पर उस नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की एक वैकेंसी है जिसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो तो केवल एक है मैं अपने कई सारे वीडियोज़ में आपको लगातार कहता हूं कि कई सारी ऐसी ओपनिंग्स आती है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जिसमें नंबर ऑफ ओपनिंग्स कम होती है तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेस की कि कहाँ पर ये लोकेशन रहेगी आपकी जॉब की तो वो दिल्ली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिफरेंस विल बी गिवन टू एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग पहला यहाँ पर ये यह लिखा है और में लिखा है एमएससी केमिस्ट्री और बी केमिकल इंजीनियरिंग आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है तो आपका सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए अब अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर ले तो देखिये जैसा कि पहले ही मैंने बताया था ये हाइड्रोजन प्रोग्राम के लिए है एट ओ एनजीसी एनर्जी सेंटर तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी कुछ उसी तरीके का होगा टू कॉर्डिनेट विद हाइड्रोजन प्रोजेक्ट टर्म एंड कोलॉबरेटिंग इंस्टीट्यूट पार्टनर फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड वेरियस मिसिलेस एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट तो देखिए वहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चलते हैं उसी से रिलेटेड ये जॉब डिस्क्रिप्शन है जो कि आप नोटिफिकेशन में पढ़ पाएंगे अब अगर कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट बातों की अगर हम ध्यान दें तो जो एक टर्म ऑफ एंगेजमेंट है कि टर्म ऑफ एंगेजमेंट क्या रहेगा तो कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या ये परमानेंट पोजीशन है नहीं ये परमानेंट पोजीशन नहीं है द प्रोजेक्ट फेलो विल बी इनिशियली एंगेज फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर द टेन ईयर ऑफ एंगेजमेंट में भी एक्सटेंडेड ऑन नीड बेसिस फॉर फर्दर पीरियड सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्ट्री इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट एज ए प्रोजेक्ट फेलो कैन बी अप टू ए मैक्सिमम ऑफ फोर ईयर तो देखिए पहले इनिशियली आपको वन ईयर के लिए लिया जाएगा और आपकी अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्ट्री रहती है तो मैक्सिमम ये चार साल की ड्यूरेशन हो सकती है तो यहां पर ये जो है, वो 4 है। अब बात करते हैं एच आर ए तो जो पहला वन ईयर होगा उसमें फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज मिलेंगे जिसमें थर्टी टू थाउजेंड है आपका फेलोशिप अमाउंट और टेन थाउजेंड रुपीज है एचआरए दिस अमाउंट मे बी इंक्रीज रूपीज फोर्टी फोर थाउजेंड पर मंथ ऑफ वन ईयर उजेंड पर मंथ आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टू ईयर तो देखिए पहला साल कंप्लीट हो जाने के बाद ये फोर्टी फोर थाउजेंड हो सकता है और दो साल कंप्लीट होने के बाद ये फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज हो सकता है फर्दर वन टाइम एनुअल इंसेंटिव ऑफ टू मंथ गिवन टू परफॉर्मर इसके अलावा अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहते हैं तो आपको जो फेलोशिप अमाउंट है वो दो मंथ का फेलोशिप अमाउंट एज ए इंसेंटिव भी दिया जाएगा कैंडिडेट होल्डिंग ऑप्टेनिंग पीएचडी डिग्री वाइल डायरेक्टली सिलेक्टेड एज ए प्रोजेक्ट फेलो आर एलिजिबल फॉर एन एडिशनल इंसेंटिव ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड पर मंथ ऐसे स्टूडेंट जिनकी पीएचडी होती है अगर तो उन्हें टेन थाउजेंड रुपीज़ का एडिशनल इंसेंटिव जो है वो भी दिया जाएगा अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तो देखिए एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड थ्रू ए टू टायर सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले जो है वो तो स्क्रीनिंग होगी जितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग होने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अब यहाँ पर जो टाइमलाइन है वो सक्सेसफुल कैंडिडेट विल हैव टू जॉइन ड्यूटी विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एंगेजमेंट लेटर तो अगर आपको जो है वो ऑफर uh, लेटर दिया जाता है तो थर्टी डेज के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना है रिमबर्समेंट ऑफ ट्रेवल फेयर आउटस्टेशन कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू शेल बी पेड सेकेंड ए सी टू एंड फ्रो अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए तो आपको जो है वो टू एंड फ्रो रिम्बर्स किया जाएगा सेकेंड ए सी का अब इंपॉर्टेंट नोट द एंगेजमेंट एज ए प्रोजेक्ट फेलो इन ओ एन जी सी एनर्जी सेंटर ट्रस्ट इज ए टेम्पररी इन नेचर जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया ये जॉब परमानेंट नहीं है टेम्प्रेरी है यहाँ पर जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो फोर ईयर है मिनिमम वन ईयर है अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो मेल करना होगा यहाँ पर आप ईमेल आईडी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में और लास्ट डेट है फिफ्टींथ नवंबर 2022 और आपको जो है वो अपनी डिटेल्स जो है वो कैसे फॉर्मेट में भेजनी है ये भी आप जो सेकंड पेज है नोटिफिकेशन का उसमें देख सकते हैं और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना तो कर सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी एक है जॉब लोकेशन दिल्ली है और सैलरी के बारे में मैंने पहले ही बात कर दी ऐसे कई सारे जो नोटिफिकेशन है कई सारी वैकेंसीज़ है वो आती रहती है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए कई सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो गवर्नमेंट की परमानेंट पोजीशंस भी आती है जिनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज फिफ्टीन ट्वेंटी 25 होती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कि ऐसी वैकेंसीज में सेलेक्ट भी हुए हैं। तो आपको जो है वो हमेशा लगा था, प्रयास करते रहना है अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है केमिस्ट्री पर अपनी कमांड अच्छी रखनी है मैं हमेशा कहता हूँ अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो